Newsnet TV, I am Divya, bringing you the events and activities in and around Patna Archdiocese. आप देख रहे हैं Newsnet TV. मैं हूँ अमृत आल्फ्रेड. 2 फरवरी को ईश्वरी कृपा की मां मरियम तीर्थ धाम का महापर्व बड़े धूमधाम से मोकामा में मनाया गया. इस तीर्थ यात्रा में बिहार और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया. 8 फरवरी को नवज्योति निकेतन पटना में रेवरेंट फादर जॉर्ज थुरिवन की मृत्यु पर पटना महाधर्म प्रांत ने शोक व्यक्त किया. 78 वर्षीय फादर जेवियर वर्गिस की मृत्यु 29 जनवरी को मडोना हॉस्पिटल में हुई. इन्होंने पटना महाधर्म प्रांत के बाढ़, मनेर, गुल्ली और सिकंदरा जैसे पलियों में सेवा दी है. 1992 में फादर गया के पल्ली पुरोहित और 1998 में फादर सिकंदरा के पल्ली पुरोहित भी रहे हैं. Now, news from some Catholic institution in the diocese. St. Xavier's College of Management and Technology held its annual seminar on 8th February. 8 फरवरी को St. Xavier's College of Management में annual national seminar का आयोजन हुआ. The Alumni Association of Patna Women's College organized a cancer awareness program. Cancer Divas के अवसर पर Patna Women's College के Alumni Association के द्वारा cancer awareness कार्यक्रम आयोजित किया गया. A blood donation camp was organized in Patna Women's College in collaboration with Kurji Holy Family Hospital. Cancer Divas के अवसर पर Patna Women's College और कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया. हार्टमन स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ फेयरवेल सेरेमनी फॉर आउटगोइंग क्लास 12 स्टूडेंट ऑन 11th जनवरी. हार्टमन स्कूल पटना ने 12वीं क्लास के बच्चों के लिए फेयरवेल का आयोजन 11 जनवरी को किया. न्यूज़नेट फादर रोहित इक्का और फादर अंशु आनंद तिरू को बधाई देता है जिन्होंने 26 जनवरी को पुरोहिताई अभिषेक संस्कार ग्रहण किया है. सिग्निस इंडिया के नेशनल मीटिंग कोचिन केरला में 28 से 30 जनवरी को हुई. आप देख रहे थे न्यूज़नेट टीवी. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. यू हैव बीन वॉचिंग न्यूज़नेट टीवी. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.